बिहार के सहरसा में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आज सहरसा जंक्शन पहुंचे, 3 योजनाओं का किया उद्घाटन। मोतिहारी में लगातार हो रहे राशन वितरण में गड़बड़ी, पीडीएस डीलर द्वारा एक महिला को घर में बंद कर देने का मामला। डीलर उपेंद्र यादव के तानाशाही, रवैया और मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मोतिहारी के महसी नगर पंचायत की स्ट्रीट भेंडर महिला और पुरुष दोनों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पंचायत के कार्यपालक निर्मला कुमारी के पहल पर लॉकडाउन की मार झेल रहे। वैशाली में देर रात बिदुपुर थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए बिदाम चौक के पास केला के खेत से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद की। नवादा के रजौरी थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी के मेजबानी से पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुरहना पंचायत की टीम जोगिया मारण की टीम को हराकर जीत दर्ज की। उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिखी और कहा 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड के गदरपुर में देश भर में किसान आंदोलन जोरों पर है और किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और किसान महापंचायत से लेकर किसान जागृत रैली। बिहार के गया में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पीलीभीत के सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने सपा जिलाध्यक्ष श्री जग्गा को पहचान लिया और मंच पर बुलाया। यूपी के संभल में टप्पेबाजों ने बेकरी व्यापारी के बाइक में टक्कर मारकर बेकरी व्यापारी की जेब से 8,000 की रकम पर हाथ साफ कर दिया। बेकरी व्यापारी के शोर मचाने पर राहगीरों ने टप्पेबाज को पकड़ लिया। यूपी के संभल में भांग की पकौड़ी और शराब के सेवन से दो लोगों की मौत। अचानक दो लोगों की मौत से मचा हड़कंप, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होने लगा है। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिले में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री घटकर महज 10% रह गई। पंजाब के अमृतसर में अपनी 11 साल की बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पत्नी ने अपने ही पति पर करवाया मामला दर्ज। घर पर कोई नहीं होता देख 11 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी ने की थी कोशिश। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। राजा सांसी थाने के ग्राम कोटला सखी से देशी शराब का भंडार बरामद। अमृतसर के सुल्तान बिन चौक से घी मंडी चौक पर जाती सड़क पर उस समय सनसनी फैल गई, उसकी ड्राइवर की लापरवाही के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मोगा में कई लोगों के मोबाइल या दो लुटेरे लूट करके ले गए या फिर कहीं गिर गए। वहीं जिन लोगों ने इसकी शिकायत मोगा पुलिस को दी, वहीं पुलिस ने उन शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम के हवाले किया। पंजाब में मालगाड़ी रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बन रहे रास्ते को रेलवे विभाग ने करवाया बंद। रास्ता बंद होने पर स्थानीय लोगों में रोष की लहर। पंजाब सरकार द्वारा 3,50,00,000 की लागत से बनाया जा रहा था रास्ता। अमृतसर में भाजपा सांसद मेंबर श्वेत मलिक का आज फिर किसानों ने किया विरोध। भाजपा आगू श्वेत मलिक कोविड-19 के चलते कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे सेंटर। भारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे श्वेत मलिक का किसानों ने किया जबरदस्त विरोध। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के जोधेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नानकशाही कैलेंडर रिलीज कर रहा, 553 नानकशाही 14 मार्च को शुरू होगा। अमृतसर में कांग्रेस पार्टी ने 2017 के चुनावों में कैप्टन ने बड़े वादे किए थे, किसानों के कर्ज रद्द करने का ऐलान किया था। नवजोत सिद्धू सुनील जाखड़ ने भी पंजाब के लोगों को गुमराह किया। अमृतसर के टुंडे तालाब में युवती द्वारा पंखे से लटक कर की आत्महत्या का मामला। मृतका की पहचान कोमल के रूप में हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के केस में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।
एमपी के रीवा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठी कंपाउंड के पास भिक्षावृत्ति करने वाली महिला की हत्या, पत्थर से कुचलकर उतारा गया मौत के घाट। अमृतसर में कॉस्मेटिक की दुकान पर तीन युवकों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। दुकान में क्रीम मांगने को लेकर हुआ था विवाद। कांग्रेस के 2 साल की विफलताओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रियाबड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बढ़ते अपराध और किसानों के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार पर बोला हमला। पंजाब के अमृतसर में जेल से भागा कैदी गिरफ्तार, गुप्त सूचना मिलने पर की गई गिरफ्तारी। अमृतसर में 62 ग्राम हेरोइन बरामद, गुप्त सूचना से युवक गिरफ्तार।